लेकिन हम अगर कोई भी दिक्कत एक मिनट सर, लेकिन हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हमको सैनिक स्कूल चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल में आप लोग सहयोग कब तक देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी जब तक रहेंगे जब तक वो सहयोग देंगे, उसके बाद जब वो उनका कुर्सी अगर छीन गई तो फिर कहाँ हम लोग जाएंगे बताइए। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सोनू कुमार के घर, उस सोनू कुमार के घर जो कि अभी वायरल सेंसेशन बन चुका है, हर कोई उसे जानता है अब। यहाँ तक कि उसकी मांग ये रही कि वो आईएएस बनेगा, उसे अच्छे स्कूल में पढ़ना है, मतलब कि इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट स्कूल में वो एडमिशन चाहता है आईएएस बनने के लिए। तो चलिए उनका घर दिखाते हैं और उनके कुछ जो भी मिलते हैं उनके घर पर उनसे कुछ बात करते हैं। तो ये घर है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये सोनू जी की माता जी है। प्रणाम माता जी। और जो है सोनू बचपन से ही ऐसा था कि बड़ा हुआ है हमारा बच्चा बचपने से है। कितना साल का है अभी? 11 साल हो ले अभी। 11 साल का सोनू। कितना भाई है? दो भाई है। बड़ा है कि छोटा? बड़ा है। सोनू जैसे कह रहा है कि आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस बनेगा तो आपको जो है इतना नाम वो कर चुका है पहले बिना आईएएस बने हुए, अब बन जाएगा तो कितना नाम करेगा और आपको कैसा लग रहा है? अब लगा कि अब सहयोग देथिन तब ने बनते, इसे माय बाप के कन्ना उकाते रहते ये कैसे बाबू हमारे जब है। कितना बच्चा को पढ़ाते हो? 25-30 को हराबे करा ले। कितना पैसा मिलता होगा? 25 हाँ 50 गो के महीना ले आप। 50 गो का महीना। अब जैसे कि देख रहे हैं 50 रुपए महीना में वो एक बच्चा को पढ़ाता है, तो सोनू का जो पढ़ाई लिखाई उसे चाहता है जो बड़का स्कूल में पढ़ने के लिए, सरकार अगर उसको बड़का स्कूल में पढ़ाती है बड़े स्कूल में तो आप उसको घर से जाने देंगे? बढ़िया से कर ले होता नहीं जब ऐसा कि कभी हम पुत्र घर में रखे लेना कहीं ही आए बतावा तो ही। देख सकते हैं सोनू का ये घर है, ये बहुत अकरम हम रहा ये। अच्छा ये घर है सोनू का? ये घर है आंटी, ये घर है, ये घर है। देख सकते हैं सोनू का कितनी गरीबी हालत में सोनू देश का नाम बिहार का नाम जो है रोशन कर दिया है। एक सब नीतीश कुमार को सीधा निशाना साधते हुए बोला है कि आईएएस बनेंगे, जितने भी करप्ट ऑफिसर है सबको सस्पेंड करना चाहता है। तो अभी देख सकते हैं ये सोनू कुमार का घर है। देखिए जैसे कि ये बता रही हैं कि इनके घर में जो है दिक्कत है, लॉक है घर, ताला मारा है। देखिए चलिए खोलिए दिखाते हैं। बताइए कितनी गरीबी में सोनू रह रहा है, पढ़ाई उसको ट्यूशन का स्कूल का पढ़ाई पैसा नहीं है, फिर भी जो है देखिए कितनी गर्मी है, ऊपर टीन है और पंखा भी सही से नहीं चल रहा, हवा भी नहीं सही से दे रहा। इस कड़ी मेहनत इस कड़ी धूप में इस घर में सोनू रहता है और यहाँ पढ़ाई करता है। यह सोनू सब का किताब सब है यहाँ। हाँ, सोनू का है। हाँ, तो देखिए सोनू का किताब का अक्षर देखे जनी। ये सोनू का कॉपी है। बोली बोली ये सोनू का कॉपी है जैसे कि आप देख सकते हैं। ये सोनू का कॉपी है, इंग्लिश का है, इस पे लिखा हुआ है वर्च्यू, जैसे चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बताइए इतनी अच्छी अंग्रेजी वो लिख लेता और पढ़ लेता है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ना स्पेलिंग में, ना वर्ड में, ना अल्फ़ाबेट में, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। यह है सोनू का राइटिंग हैंड राइटिंग, और मात्र 11 साल का बच्चा इतना अच्छा लिख लेता, आप देख सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लिखता है वो, कहीं कोई मिसपेल्ट नहीं है। तो सोनू तो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, सोनू पढ़ने में तो बहुत अच्छा है। एडमिशन जो नहीं हुआ सोनू, तो अब तो सरकार जो है उसकी मांग सुन रही है कि उसका एडमिशन तो करवाएंगे। अब जितना जल्दी जल्दी अब करवा देते ना तब ना जरी मन अथी अस्थिर लगता है, बचपन हमारा वह लगना खुश हो एकदम। सोनू जैसा कह रहा था कि स्कूल में जो है मास्टर नहीं आता है, ठीक है, मास्टर पढ़ाता नहीं है बढ़िया, आता नहीं है, क्या बात सही है? हाँ सही नहीं था, गलती है, नहीं आता है मास्टर स्कूल में पढ़ाने के लिए। पढ़ाने हमारे मन में कोई के नहीं यही लोग मैंने कोई पूछ ले कोई उतर हुआ माता अब वो से ज्यादा ये है बता देते हैं। अब तो ना फिट होबे कर तो आप क्या काम ज्यादा हमारे बच्चा बता दे सकले तो तोरा ना फिट कर तो नहीं। सही बात है, इनका कहना है कि
उनके बच्चे से ज़्यादा मास्टर उनके बच्चे से मास्टर से ज़्यादा उनके बच्चे को आता है। तो आप देख सकते हैं, आप क्या काम करती हैं? क्या मैं घर में ऐसे कैसे गृहस्थी जैसा खेत मिल रहे हैं मालिक से? और पिताजी सोनू के पिताजी वो है जैसा खेती मिल रहा है, का बीघा लग खेती हुआ है, एगो भैंस रखा था दही हुई, मतलब दो दिन संग दो संग का संग्रह लिया। हाँ आवाज बाजा का इतना खा जुकुर नहीं हाल जाता, वो मुँह मोहर किया उठा ही है, दूसरे पैसा बेच के ले लो तो झूठ फूसा से मैंने हो लो जाए। अरे बच्चा के कॉपी नहीं था, किताब नहीं, कहो स्कूल में कैजू जीते तो कॉपी किताब रहता था ना पढ़ते। इतनी गरीबी हालत में सोनू जो है पढ़ाई करता है, और सरकारी स्कूल का क्या हाल आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि सोनू बता रहा है, आप देख सकते हैं कितनी गरीबी हालत में। एक ही रूम है सोनू के पास, इसी में वो खाता है, उसी में नहाता है, उसी में पढ़ता है। इतनी गरीबी हालत, तभी जाके तो वो बच्चा सरकार से गुहार लगा रहा है कि हमको स्कूल चाहिए, हमको बड़ा स्कूल में पढ़ना है, टीचर नहीं आते। वो बात सही कह रहा है कहीं ना कहीं। तो अब हमने आपको बात कराया सोनू जी के, सोनू कुमार के माता जी से, और ये आप घर देख ही रहे हैं। तो चलिए फिर सोनू जी से मिलते हैं, अगर वो मिलता है, अभी तो वो बहुत बिजी है, बहुत मीडिया वाला यहाँ आए हुए हैं। तो चलिए सोनू जी से मिलते हैं फिर जो है, चलिए सोनू जी से मिलते हैं और दिखाते हैं सोनू जी क्या कहते हैं मतलब इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में। चलिए उनसे बात करते हैं फिर। A few moments later. अभी का खत्म नहीं, अभी उम्मीद है ही नहीं कि हमको सैनिक में जो है एडमिशन होगा। कहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं? सैनिक में, सैनिक स्कूल में। कहाँ है वो? वो लगता है ऐसे ही नालंदा में। नालंदा में? मेरा नालंदा में होगा जी, नालंदा। तो आप वहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं? तो अभी तक मंत्रियों की सुनाई नहीं दी है, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, तो आराम से चना खा रहे हैं। देखिए सरकार और सिस्टम की संवेदना पर सवाल है। एक बच्चा जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीधे आईना दिखाता है, और उसके बाद भी ये बच्चा ये कह रहा है कि अभी तक कान पर जू नहीं रेंगी है, तब कैसे रेंगेगी? सोनू आप बताइए, आप तो बड़ों की तरह बात करते हैं। तभी रेंगेगी जबकि उनको समझ में आएगा। जब जैसे एक बात बताइए जी, आप लोग जब रैली होती है जी, जब उनकी उनकी रैली होती है जी, तब उनको सबसे मैंने समय मिल जाता है जी। जब उनकी रैली नहीं रहती है जी, उनको समय नहीं मिलता। जब वो शिक्षा मंत्री बन रहे थे जी, तो सभी लोग उसे आग्रह कर रहे थे, हमको बना दी, बनाने के लिए बोलिए। जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को सहयोग देना ना चाहिए कि आप क्यों नहीं गए भाई, वो भी टीवी देख रहे हैं। अच्छा सोनू, आप ये बताइए कि आप बच्चे हैं, बड़ों की तरह बात करते हैं, IAS ही क्यों बनना चाहते हैं, नेता क्यों नहीं बनना चाहते? इतना अच्छा बोल लेते हैं। एक मिनट, नेता हम इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि राजनीति पर रहता है। आपका हो गया, हम क्या चाहते हैं सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन हो जाए। जैसे सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा, अभी मैं और आपसे बात करूंगा, आप वो बताइए। नहीं उतना समय नहीं है, हम लोग आए हुए हैं। ठीक है, आखिरी सवाल है हमारा आपसे, आखिरी सवाल है, उस दिन की घटना बताइए क्या हुआ था, कि कैसे ये हिम्मत आई कि मुख्यमंत्री के सामने ये कह देना है? मुख्यमंत्री के सामने ये सब अपना अच्छी समाचार है। तो चलिए सोनू सुन रहे थे सोनू को, सोनू बच्चे हैं, सोनू के मम्मी हुई है, सोनू का ये सोनू का घर है, हम देख सकते हैं लगातार मीडिया कर्मियों का जमावड़ा। ये सोनू का घर है ये, और ये जीनू से ये देख सकते हैं, यहाँ गांव के लोग हैं कुछ। तो सोनू हमेशा से ऐसा ही बोलता है? हाँ नहीं, बात करता बहुत फास्ट है सोनू, तो बहुत फास्ट है यहाँ के लिए, सबसे आगे है जी। तो अभी जो सोनू जो आरोप लगा रहा है जी, उस आरोप पे क्या कहेंगे? कौन आरोप लगा रहा है हम सुनेंगे कुछ? शिक्षक जो है पढ़ाते नहीं है, उनको आता नहीं है। हाँ वो तो सही बात है, कम बेसी तो सही बात है। जब देख सकते हैं कि यहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि ये बात सही है, यहाँ के शिक्षक जो है पढ़ाते नहीं है, उनको आता नहीं है, तो ये लोग भी वही कह रहे हैं। आता है ठीक है, बहुत कम आता है, आता है जिसे शिक्षक ऐसी तो नहीं होगी, मगर आता है बहुत कम आता है, कुछ नहीं। मास्टर ही नहीं आते। हाँ जी, आप देख सकते हैं अभी सोनू जो है खाना खाने गया है, हमारे साथ सोनू की माँ है।